हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आया हुआ हूँ एनबी फार्म हाउस, जो कि ये रूपाहेली में है। और ये फार्म हाउस है डॉक्टर सुधीर जी का। और आप देख सकते हैं, गेट से एंट्री होते ही मैंने यहाँ पे साइकस का पौधा लगाया हुआ है और कुछ प्लांट्स अभी इस क्यारी में लगेंगे, जो कि बड़े होने के बाद छाया दें। और ये हमारा रहा लेफ्ट साइड का एरिया। लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे दो साइकस का पौधा लगा हुआ है और इसके पीछे पौधे देंगे, जो कि बड़े हों, थोड़े बहुत छाया दें। और इसके फ्रंट साइड में लगेंगे एनआरबी का पौधा, थोड़ा सा मेंटेन नहीं हो पाया है। अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अब हम गेट से एंट्री कर चुके हैं। गेट से एंट्री करते ही राइट साइड में मैंने यहाँ पे लिली का पौधा लगाया हुआ है, जिसमें व्हाइट कलर के फूल आएंगे। बाकी यहाँ पे ये एक साइकस का पौधा है, ये साइकस का पौधा है, ये अपना फॉक्सटेल पाम का पौधा है। उसके बाद लेफ्ट साइड में भी सेम उसी तरीके से पौधा लगा हुआ है। यहाँ पे और लिली लगी हुई है जिसमें व्हाइट फूल आएगी, ये साइकस का पौधा, वापिस फॉक्सटेल पाम, और ये अपना साइकस का पौधा। ये रहा अपना लेफ्ट एरिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम आप एंट्री करते यहाँ पे कोणू कर्पस का पौधा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी है। ये पौधों में सबसे फास्ट चलने वाला पौधा होता है, पौधे में इससे बढ़िया कोई भी पौधे नहीं चलते फास्ट। और एक पौधा लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, डबल लेयर गुड़ेल। गुड़ेल में आपने सिंगल पैटर्न देखा होगा, डबल पैटर्न ये है। और इसका प्यारा, बहुत प्यारा फूल आता है, आप देख सकते हैं। और इसकी सिंगल लेयर की बात करें तो हम सिंगल लेयर का पौधा ये रहा, आप देख सकते हैं गुड़ेल में सिंगल लेयर का ये पौधा रहा। और ये है कोणू कर्पस का पौधा, जो कि पौधों में सबसे फास्ट चलने वाला पौधा यही है। इसकी बात करें तो फुल ग्रीन होता है ये। और अगर हम आप हाइट की बात करते हैं तो हाइट इसकी तकरीबन 20 से 25 फीट जाती है। अगर हम आप इसकी कटिंग कर देते हैं तो हाइट इसकी स्टॉप हो जाती है। ये अगर हम आप दीवार के सारे, अगर मैं आपको बैक साइड की बात करूं तो अगर हम आप वॉल बाउंड्री अगर बनानी हो तो आप देख सकते हैं कोणू कर्पस का पौधा वॉल बाउंड्री में सबसे बेस्ट कोणू कर्पस का ही पौधा होता है, आप देख सकते हैं। और अगर इसकी कटिंग हो जाए प्रॉपर अच्छे से तो ये बिल्कुल दीवार जैसे होती है ना अपनी, उस तरीके से ये दिखता है। ये है अपना ब्लैक फाइकस का पौधा, ये बिल्कुल बॉल बनती है इसकी, जैसा चाहे हम आप जैसा चाहे वैसा इसको बना सकते हैं हम आप। ये भी काफी अच्छा पौधा है और बिल्कुल रफ एंड टफ चलने वाला पौधा है। ये अपना गार्डन का एरिया रहा, पूरा गार्डन आप देख सकते हैं। ये अभी इसकी कटिंग हुई है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ये एंट्री है, गार्डन के चारों तरफ ये बॉटल पाम लगा हुआ है, बॉटल पाम का पौधा, और उसके बीच में ये अपना ब्लैक फाइकस का पौधा। हर एक जो है 8 फीट पे ये बॉटल पाम लगा हुआ है, 8 फीट के बीच में एक ये ब्लैक फाइकस का पौधा लगा हुआ है। बॉटल पाम की हाइट वही तकरीबन 20 से 25 फीट जाएगी और ये ब्लैक फाइकस की हाइट जो कि ब्लैक फाइकस की हाइट जो है तकरीबन जो है 10 फीट तक जाती है। और ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हम आप इसको रखना कैसे चाहते हैं, किस हाइट पे लेना चाहते हैं, क्या शेप देना चाहते हैं। आगे देखेंगे तो हम आप कुछ कनेर के पौधे लगे हुए हैं। कनेर का पौधा भी बहुत सुंदर होता है और इसमें परमानेंट फूल आता है, आप देख सकते हैं टॉप पे फूल अभी आ भी रहा है। अगर हमें आपको वॉल बाउंड्री बनानी हो तो एक ये भी देख सकते हैं हम आप, कनेर का पौधा भी लगा सकते हैं। अभी इस जगह पे नए कोणू कर्पस के पौधे लग रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे कोणू कर्पस का पौधा पहले लगा नहीं था, इस जगह पे नए कोणू कर्पस का नया पौधा लगेगा। तो जैसे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वैसे ही लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा तकरीबन 6 महीने बाद। यहाँ पे दोनों साइड वही कोणू कर्पस का पौधा दे रहे हैं, नए पौधे अपने कोणू कर्पस के लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कोणू कर्पस का पौधा लग रहा है यहाँ पे, और ये धीरज भाई साहब है जो पौधे लगा रहे हैं। अगर आपको भी पौधे लगवाने हो, कुछ भी करने हो, तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे एक बार जरूर कॉल करना, आपके फार्म हाउस पे आके आपके प्लांट्स को डेवलप करके यहाँ से दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये रहा 1 साल पहले का फार्म हाउस डेवलप किया हुआ है। अभी कुछ चीजें इनमें कटिंग नहीं हुई है, जैसे ये एनआरबी का पौधा है, इसकी कटिंग नहीं हुई है अभी, बारिश की वजह से थोड़ा सा यहाँ चारा ज्यादा उग गया है। फुल साइज होने में आप देख सकते हैं ये तकरीबन 1 साल का पौधा है। तो हम आप अगर वॉल बाउंड्री पे लगाना चाहें तो ये जरूर लगा सकते हैं पौधे। ये आप देख सकते हैं गार्डन में सिलेक्शन नंबर 1 ग्रास लगी हुई है। अगर आपको भी ऐसे ग्रास लगवानी हो तो आप भोली निधि नर्सरी एक बार जरूर संपर्क करें। हम आप अगर ग्रास की बात करें तो ग्रास बिल्कुल स्पंज वाली है, बिल्कुल चुभती नहीं है, एक ग्रास वही है, इंग्लिश तो नहीं है, सिलेक्शन नंबर 1 ये ग्रास है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं चुभ रही है और फुल हरी भरी होती है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे गार्डन लगवाने हो तो आप भोली निधि नर्सरी एक बार संपर्क करें या फिर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें एक बार।